नमस्ते फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी इस ऑर्गेनम की जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमारे हनुमान सर के और टीचर्स के ब्लेसिंग के साथ। तो हम अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने देखा कि एक काउंटर एक्शन है और एक क्यूरेटिव एक्शन है। तो नाउ लेट सी एफोरिज्म नंबर 66। एन ऑब्वियस एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन। ऑब्वियस यानी होना ही है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है कि एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन आनी ही है, यानी जो प्राइमरी एक्शन आई उससे उल्टी सेकेंडरी एक्शन आनी ही आनी है। हावेवर इज एज मे रेडिली बी कंसीव्ड नॉट टू बी नोटिस फ्रॉम द एक्शन ऑफ क्वाइट माइनट होम्योपैथिक डोजेस ऑफ द डिरेंजिंग एजेंट ऑन द हेल्दी बॉडी। भले ही होम्योपैथिक या एलोपैथिक कोई भी हो, पर सेकेंडरी एंटागोनिस्टिक एक्शन आनी ही आनी है। तो हाउएवर इज मे रेडिली बी कंसीव नॉट टू बी नोटिस, कि हम भले ही उसकी एक्शन को नोटिस ना कर पाए बिकॉज माइनूटनेस ऑफ डोजेज। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, होम्योपैथिक के द्वारा एक स्टिमुलेशन देते हैं, माइनर सा स्टिमुलेशन। एक फीवर था, फीवर को और बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? जरा सा। वो ऑर्गेनिज्म उसको सहन कर पाए, जरा सा बढ़ा दिया और सेकेंडरी एक्शन में फीवर ठीक हो गया। हेल्दी बॉडी में फीवर को हमने प्रोड्यूस किया, कितना? वो वाइटल फोर्स था, उससे थोड़ा सा ज्यादा। बोलते हैं कि अगर ये स्मॉल डोज जो है, अ स्मॉल डोज ऑफ एवरी वन ऑफ देम सर्टनली प्रोड्यूस अ प्राइमरी एक्शन that is perceptible to sufficiently attentive, but the living organism employs against it only so much reaction, second action, as is necessary for the restoration of normal condition. यानी कि ये small जो dose है उसकी size, उसका वो action जो है वो कैसी है? Small है but certain है, इतना कि वो primary action को produce करेगा और सेकेंडरी एक्शन जो है वाइटल फोर्स का वो आएगा। बट जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिएक्ट कर रहा है वापस से, वो कैसा है? वो उसको परसीव नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। अगर हम बहुत अटेंटिव हो पाए तो हम सेकेंडरी एक्शन को परसीव कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा कि सेकेंडरी एक्शन में रिस्टोरेशन टू नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। स्मॉल डोज की वजह से बहुत ज्यादा एग्रावेशन नहीं आएगा या ऐसी कोई एंटागोनिस्टिक एक्शन नहीं आएगी जो पर्सन को और बीमार करे या और अलग कंडीशन में डाले या फिर उसको और डिरेंज करे। बिकॉज ऑफ माइनूटनेस ऑफ डोजेज जो प्राइमरी एक्शन है वो कैसी है? Sufficiently perceptible, but the living organism cannot perceive because of minuteness of doses. Living organism can perceive only the restoration of health. कि हाँ मैं ठीक हो गया, कि इतने सालों के 15 years की practice के बाद फ्रेंड्स मैंने आज तक ऐसी कोई secondary action या primary action इतनी high नहीं देखी कि किसी बंदे को कोई तकलीफ हो, तो ऐसा कोई severe aggravation भी नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ हम वी ओनली प्रोड्यूस हेल्थ विद द माइनूटनेस ऑफ डोजेस। एफोरिज्म नंबर 67। दिस इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ट्रुथ, कि जिसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता, सनातन सत्य, विच स्पॉन्टेनियसली ऑफर देमसेल्फ टू अवर नोटिस एंड एक्सपीरियंस explain to us the beneficial action that takes place under homeopathic treatment, while on the other hand they demonstrate the perversity of the antipathic and palliative treatment of the disease,
with antagonistically acting medicine. Which spontaneously offer themselves to our notice and experience. कि ये जो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल ट्रूथ है वो क्या बता रहा है कि हम जो देख रहे हैं, क्या हमारे नोटिस में जो आ रहा है, एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेनिफिशियल एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है. और ऑन द अदर हैंड हम डेमोन्स्ट्रेट, यानी जो ऐसा सत्य है जो हिल नहीं सकता, तो वो और अदर हैंड में हम क्या देख रहे हैं कि परवर्सिटी यानी विकृति ऑफ एंटीपैथिक एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विच एंटागोनिस्टिकली एक्टिंग मेडिसिन, कि जो मेडिसिन हम एंटागोनिस्टिकली दे रहे हैं, हमने जो पैलिएटिव मेडिसिन दिया और दूसरा क्या दिया, एंटीपैथिक दिया, तो ये कैसे, ये विकृति पैदा करती है. कैसी मेडिसिन सेकेंडरी एक्शन जो आएगी वाइटल फोर्स की, वो सेकेंडरी एक्शन क्या होगी, एंटागोनिस्टिक जो सेकेंडरी एक्शन है वो क्या कर रही है, विकृति पैदा कर रही है, परवर्सिटी पैदा कर रही है. वन हैंड पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि बेनिफिशियल एक्सप्लेन एक्शन दैट टेक्स प्लेस अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन से सेकेंडरी एक्शन आएगा एंटागोनिस्टिक वो क्या होगा, क्यूरेटिव आएगा, और जो ये आएगा वो क्या होगा, परवर्सिटी पैदा करेगा, जो हम आगे बहुत बात कर चुके हैं. ओनली इन मोस्ट अर्जेंट केसेस वेर डेंजर टू लाइफ एंड इमिनेंट डेथ अलाउ नो टाइम फॉर द एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी, नॉट आवर, समटाइम्स नॉट इवन क्वार्टर आवर्स एंड स्कैसली मिनट्स. In sudden accidents occurring to previously healthy individual, for example, in asphyxia, suspended animation from lightning, from suffocation, freezing, drowning, etc. Is it admissible and judicious at all events as a primary measure to stimulate the irritability and sensitivity, the physical life with palliative, as for instance with gentle electric shock, with clusters of strong coffee, with a stimulating odor, gradual application of heat, etc. तो हनुमान सर क्या कह रहे कि जो ये एंटीपैथिक एंड पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे हमें हेल्प बेनिफिशियल है, ओनली इन मोस्ट अर्जेंट केसेस. कैसे केसेस, अर्जेंट केसेस में जहाँ लाइफ को डेंजर है या फिर नियर टू डेथ है, अल्लाह, जहाँ पे हमें होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्शन करने का टाइम नहीं है. जैसे एस्फिक्सिया का केस है कि किसी ने सडन सुसाइड के लिए एस्फिक्सिया कर दिया, किसी ने होमिसाइड के लिए एस्फिक्सिया, द गला दबा दिया, हैंगिंग कर लिया, या फिर ड्राउनिंग या पानी में डूब रहा है, फ्रीजिंग, या फिर जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है और सडन सीवियर एक्सीडेंट को फेस किया है जो पहले नॉर्मल थे. ये सब बंदे, ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पहले ये सब नॉर्मल थे और फिर उसके साथ ये कुछ एक्सीडेंट हुआ, एस्फिक्सिया का, इलेक्ट्रिक करंट का, फ्रीजिंग का, ड्राउनिंग का. तो यहाँ पे ये जो एंटीपैथिक मेडिसिन या पैलेटिव मेडिसिन क्यों चाहिए, क्योंकि जहाँ वाइटल फोर्स पूरा पूरा बैठ गया है उसको थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे, जो फाइबर्स एकदम से बैठ गए हैं उसको थोड़ा सेंसेस, उसको थोड़ा इरिटेबल करेंगे, उसको स्टिम्युलेट करने के लिए, उसको वापस से एक्टिव करने के लिए एक स्टिम्युलेशन चाहिए. क्यों? क्योंकि वो फाइबर्स जो है उसको वापस से एक्टिव करना है, तो वो स्टिम्युलेशन के लिए क्या चाहिए हमें, जेंटल इलेक्ट्रिक शॉक. कभी कभी किसी को जो जेंटल इलेक्ट्रिक शॉक को देने पड़ते हैं, एनीमा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहा है बंदा और ये हो गया तो उसको एनीमा चाहिए, स्टिम्युलेटिंग ऑर्डर चाहिए, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ हीट, ये सब एट्सेट्रा, या और भी इमरजेंसीज जो भी एप्लीकेशन है वो चाहिए. क्यों? वो फाइबर्स को स्टिम्युलेट करने और वो लाइफ, जो फिजिकल लाइफ जहाँ डैमेज पड़ी है वो लाइफ को वापस जगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए. व्हेन द स्टिम्युलेशन इज इफेक्टेड, जब ये स्टिम्युलेशन का काम हो गया, द प्ले ऑफ वाइटल ऑर्गन गोज अगेन इन फॉर्मर हेल्दी मैनर, जो वाइटल ऑर्गन्स थे वो वापस से प्ले में आ गए, प्ले में यानी उसकी
एक्शन में आ गए। सी व्हाट द वर्ड यूज, प्ले। प्ले यानी जो पहले एक हारमोनी का प्ले हो अपनी बॉडी में चल रहा था, वापस से वो प्ले में आ गए। फर्दर इज हियर नो डिजीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ डिजीज नहीं था। क्या बोले, फॉर्मर हेल्दी कंडीशन, कि ये सब होने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था, हेल्दी था। तो व्हेन दिस वाइटल ऑर्गन ऑर्गन अगेन गोज इन इट्स फॉर्मर हेल्दी मैनर, फॉर देयर इज हियर नो डिजीज टू बी रिमूव्ड, बट मियरली एन एब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ हेल्दी वाइटल फोर्स। यहाँ पे कोई डिजीज नहीं था, बट वाइटल फोर्स क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया सडन ये इंसिडेंट्स के कारण, या फिर सप्रेस हो गया, तो उसको वापस से स्टिमुलेट करना है। तो यहाँ पर डिजीज को रिमूव नहीं करना है। दिस कैटेगरी बिलोंग्स वेरियस एंटीडोट टू सडन पॉइजनिंग। इस कैटेगरी में और क्या क्या आएगा, तो सडन पॉइजनिंग, अगर कोई एसिड पॉइजनिंग हुआ, ओपियम पॉइजनिंग हुआ, ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग हुआ, या फिर एक्सीडेंट कोई भी पॉइजन ले लिया या इंटेंशनली ले लिया, तो ये जो पॉइजनिंग है वहाँ पे क्या जाए, अल्कलीज फ्रॉम मिनरल एसिड, हिपार सल्फर मेटालिक पॉइजनिंग, कॉफी एंड कैम्फोरा फॉर पॉइजनिंग बाय ओपियम। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब उसको एंटीडोट करेंगे ये सब पॉइजन को। तो क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्टेड और जो सप्रेस वाइटल फोर्स है वो वापस से अपनी एक्टिव कंडीशन में आ जाएंगे। तो हनुमान सर ने यहाँ कि व्हेन देयर इज नो हियर नो डिजीज, ये इसके एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, एंड येट द न्यू सेक्ट, दैट न्यू सेक्ट यानी नए लोग, नए साइकोलॉजी क्या कर रही है, दैट मिक्सिस द टू सिस्टम अपीयर्स टू दिस ऑब्जर्वेशन अपील दो इन वेन। कि हम क्या करते हैं ना, कई बार अपने को टाइम बचाने के लिए हम एलोपैथिक दे देते हैं, ये ले लो इसके साथ होम्योपैथी भी ले लो, इस दो इन वेन। ये क्या कर रहे हैं, दो इन वेन, ये व्यर्थ है। इन ऑर्डर दैट दे मे हैव एन एक्सक्यूज फॉर एनकाउंटरिंग एवरीवेयर सच एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल इन डिजीज। ये जो जनरल रूल जो डिजीज का है वहाँ पे ये अलाउड नहीं है, बट वो क्या करेंगे, एक्सक्यूज देंगे। जो ये हनुमान सर ने दिया था आगे, कि इन सिवियर सडन एक्सीडेंट्स वेर नो टाइम फॉर मेडिसिन टू एक्ट, वहाँ देने की वजह से, वहां देने की जगह हम क्या करेंगे, इसको जनरल डिजीज में अप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, एंड टू जस्टिफाई देयर कन्वीनियंट, उसकी कन्वीनियंट, क्योंकि उसके पास या तो टाइम नहीं है रश ऑफ पेशेंट की वजह से, या फिर उसको समझ में नहीं आता, या फिर वो आलसी है, काम नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम लगता है ना हमें किसी बंदे को समझ के मेडिसिन देना है। तो वो इन जस्टिफाइज देयर कन्वीनियंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एलोपैथिक पैलिएटिव एंड फॉर द अदर इंजूरियस एलोपैथिक ट्रैश बिसाइड्स, सोली फॉर द सेक ऑफ स्पेयरिंग देमसेल्व द ट्रबल ऑफ सीकिंग फॉर द सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर ईच केस ऑफ द डिजीज एंड दस कन्वीनियंटली अपियर एज होम्योपैथिक फिजिशियन। बाहर से हम क्या ड्रामा करेंगे कि हम होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, पर देंगे क्या, सारा मिक्सचर, जहाँ पे दिमाग नहीं लड़ रहा है, जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जहाँ हमें मेहनत नहीं करनी है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको दे देंगे, अभी इसको ले लो बाद में देखेंगे। और उसके साथ कुछ पिल्स दे दिया, या समझ में नहीं आई होम्योपैथिक मेडिसिन दे दिया, और हम बाहर क्या बोलेंगे कि आई एम होम्योपैथिक विदाउट बींग सच, बट देयर परफॉर्मेंस आर ऑन अ पार विद द सिस्टम दे परस्यू, दे आर करप्टिंग। वर्ड कैसे यूज किया ना, दे आर करप्टेड पीपल। कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को, जो सिस्टम चला रहे हैं वो सिस्टम में करप्शन डाल रहे हैं, वो सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये ऑर्गेनिन को समझना है, मटेरिया को सीखना है, और उसके एप्लीकेशन को हमें बराबर सिमिलर सिमिलेबस कुरेंटर के बेस पे देना है। हर एक केस क्योरेबल है, हर एक केस, सिर्फ हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम क्या करते हैं उसको इनक्योरेबल
इरिवर्सिबल का नाम देके मेहनत से भाग जाते हैं, या फिर हम पैलिएटिव मोड दे देंगे या एंटीपैथिक दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए ये हो रहा है। अगर हमने डिसाइड किया कि हमें हर एक केस को, क्योंकि हनुमान सर ने तो सर्टेनली शब्द आगे हमने देखा ना कि होम्योपैथिक एक्शन इज सर्टेनली, यानी हम चौक्कस से काम करनी ही करनी है। इट डज नॉट फॉलो दैट होम्योपैथिक मेडिसिन हैज बीन इल सेलेक्टेड फॉर द केस ऑफ डिजीज बिकॉज सम ऑफ द मेडिसिन एंड सिम्टम्स आर ओनली एंटीपैथिक टू सम ऑफ द लेस इम्पॉर्टेंट एंड माइनर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इफ ओनली द अदर्स द स्ट्रोंगर वेल मार्क एडिकुलर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर कवर्ड एंड मैच्ड बाई द सेम मेडिसिन विद सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स दैट इज टू से ओवर पावर्ड डिस्ट्रॉयड एंड एक्सटिंग्विश्ड द फ्यू अपोजिट सिम्टम्स ऑल्सो डिसअपियर ऑफ देमसेल्व्स आर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ एक्शन ऑफ द मेडिकामेंट विदाउट रिटार्डिंग द क्योर इन द लिस्ट। तो हनुमान सर यहाँ बोल रहे कि हमारे हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं वो इल सेलेक्टेड यानी रॉन्गली सेलेक्टेड नहीं है, क्योंकि कहीं जगह पे जो सपोज नक्षवामिका है तो नक्षवामिका का एक्शन जो है क्या है, वो नर्व इम्पल्स पर एक्शन है, तो वहाँ पे नर्व स्टिमुलेंट नर्व या हम अगर उसको समझे उसकी एक्शन को, तो नर्व स्टिमुलेशन तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स है, वहाँ पे हमने नक्षवामिका दे दिया, ठीक है। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको एंटीपैथी या फिर पेलिएशन के रूप में दिया, पर जब नक्षवामिका का हम डेप्थ लेंगे कि जैसे कि नक्षवामिका अगर हमने उसकी सिमिलियर्स पिक्यूलियर जो सिम्टम्स है नक्षवामिका के उस पे अगर हम पिक्यूलियर जो सिम्टम्स है कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम्स है उसके ऊपर हम नक्षवामिका देंगे, जो सिम्टम सिमिलैरिटी है होम्योपैथिकली सिमिलर है, तो वो क्या करेगा, वो जो ये सिम्टम्स है ना जो अपोजिट है उसको अपने आप कवर कर लेगा, और उसके लिए हमें कोई अदर मेडिकामेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और क्योर जो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। तो नक्षवामिका को हम जैसे अगर स्पिरिचुअल वे से समझे तो नक्षवामिका कहाँ पे पड़ा है, पॉवर्टी में पड़ा है, स्मॉलर में पड़ा है, ह्यूमिलेशन में पड़ी है लक्ष्मिका। और अगर उसके फिजिकल सिम्टम्स को देखा जाए तो उसके माइंड को हाईली इरिटेटेड बट वेरी मच एम्बिशियस, क्योंकि पॉवर्टी से आया है तो पॉवर्टी से निकलने के लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा, उसको वो एम्बिशियस हो जाएगा। तो अगर हम वहाँ से नक्षवामिका प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये जो इरिटेटिंग फाइबर्स है जो अपोजिट सिम्टम्स है वो अपने आप कवर हो जाने हैं, उसके लिए हमें ना तो कोई सेकेंड मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही उसके लिए कुछ और करना है, और क्योर अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स हनुमान सर यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि डोंट बी लेजी, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एलोपैथिक या एंटीपैथिक मेडिसिन देनी है, जहाँ इमरजेंसी केसेस है, जहाँ वाइटल फोर्स इतना दब गया बैठ गया है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, और जहाँ पे बहुत बड़े ट्यूमर्स है फ्रेंड्स अगर हम बात करें कहाँ पे एप्लीकेशन है, तो जहाँ पे बहुत बड़े ट्यूमर्स है जो किसी नर्व को कंप्रेस कर रहे हैं, किसी आर्टिक को कंप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो ट्यूमर का रिमूव होना ज़रूरी है, फिर आप मेडिसिन दो ताकि वो ट्यूमर वापस से ग्रो ना हो, तो वो स्पिरिचुअल पार्ट पकड़ो कि जिसने ट्यूमर को पैदा किया। तो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूमर्स है जो कंप्रेस कर रहे हैं, वो दबादार है, तो वहाँ पे वी शुड गो फॉर सर्जरी, एंटीपैथी या एलोपैथी, जो भी जरूरत पड़े वो देने देनी है। वहाँ पे वो पेशेंट की लाइफ को भी देखना है कि लाइफ कहाँ जा रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है या बहुत बड़ा लाइफ को खतरा है, तो वहाँ पे वी शुड गिव मेडिसिंस एलोपैथिक, बट नॉट इन ऑल केसेस। हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रहा तो एंटी हाइपरटेंसिव दे दो और साथ में होम्योपैथिक दे दो, और कहीं किडनी डिजीज है तो इसको ये साथ में दे दो, ये नहीं करना है। वहाँ पे हमें पूरे एफर्ट्स करने हैं कि हम वो ऑर्गेनिज्म को बचा पाए।
सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.